उत्तर प्रदेश के जनपद चंबल के इस्लाम नगर चौराहा बहजोई में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार टिंकू ने बताया कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में एक मंत्री जी के बेटे द्वारा किसानों को मार दिया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और लोगों को न्याय मिले। सभी कार्यकर्ता रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जनपद चंबल की बहजोई पुलिस लाइन में ले गए। इस दौरान प्रशांत कुमार, गुल्लू चौधरी, गुलाम मोहम्मद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आज हम लोग जो 3 अक्टूबर को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को रौंदकर मार दिया गया, उन पर जुल्म किया गया और तमाम पत्रकारों को मार दिया गया, उसी को लेकर के पूरे भारत भर में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े भाई विनय रतन जी के नेतृत्व में हम लोग धरना और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रदेश के अंदर जो जल रहा है प्रदेश, यहाँ पर भुखमरी से लोग परेशान है, गरीबी से परेशान है, रोजगार से परेशान है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और इस प्रदेश की जो है संपूर्ण जनता को एक न्याय मिले और अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा चिकित्सा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। किस जगह धरना दिया आपने? ये धरना हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि जो किसानों को किस जगह दिया है, जो किस जगह बैठे हैं आप? हम लोग बहजोई के इस्लाम नगर चौराया है, यहाँ पर कलेक्टेड है, यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं क्या नाम माध्यम से क्या नाम एडवोकेट रविंद्र कुमार टिंकू, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।